राम राम भाई, आ गए और वीडियो में। और वेदर बहुत अच्छा है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है वैसे, लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ नहीं था भाई, ना मुझे पता था। बस यही सोच के आया था मैं घर से कि भाई इधर आगे वीडियो शूट करूँगा, और बाहर का क्या है कि थोड़ा नज़ारा वीडियो देखते टाइम भी थोड़ा होता है ना कि भाई बोरिंग सा फील ना हो, तो एक बार देख लो। बाकी भाई अपना बात करते रहेंगे और देखते रहना भाई। बात करूँगा मैं यूके में आने के बाद, सबसे पहला स्टेप मैंने शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि पूरा समझ में नहीं आता होगा वो शॉर्ट वीडियो, इसीलिए कि ये इम्पोर्टेंट है आपको पता लग जाए, लेकिन मैं बताऊँगा अभी। सबसे पहले ये करना है भाई यूके में जब आओ, और उसके बाद ही हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं बता दूँ, सबसे पहले BRP कार्ड कलेक्ट करना है भाई, जो इंडिया में हमारा जो फिंगरप्रिंट होते हैं बायोमेट्रिक होता है वो इधर हमें BRP मिलता है, और उस BRP पे ही हमारा सब कुछ मेंशन होता है भाई, हम कितने दिन इधर रुकेंगे और हमारी डिटेल होती है उसमें। ठीक है भाई, काम का भी उसमें रहता है कि भाई इतना ये काम कर सकता है, तो वो ही हमें दिखाना पड़ता है जहाँ पर हम अपना काम करने जाते हैं उनको। तो वो सबसे पहले कलेक्ट करो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे भाई डिपेंडेंट हो, दोनों के लिए बता दूँ। पासपोर्ट से अपना जो पोस्ट ऑफिस है पासपोर्ट लेके जाओ, और जो पोस्ट ऑफिस में जाके वो दिखाना है, और वो उसी टाइम दे देंगे। ये एक दो दिन में भी आ जाता है भाई, थोड़ा बहुत हफ्ते के अंदर आपको ये आप कलेक्ट कर लोगे, आओगे इधर मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा वेट कर लियो। तो ये कलेक्ट करना है, ये शो कर देना पासपोर्ट और ले आना अपना। उसके बाद और फिर आता है भाई अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, अकाउंट ओपन ज़रूर कराना है भाई, उसके बगैर हमारा इधर कुछ भी नहीं हो सकता। अकाउंट में ही सैलरी आएगी, और जो एम्प्लॉयर है उनको भी हमें वही दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए BRP का ही यूज़ करना है। स्टूडेंट का ही बता दूँ और डिपेंडेंट का ही बता दूँ। स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी आपको लेटर दे देगी, यूनिवर्सिटी में जाना उनको बता देना, सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी बैंक में खुलवा लो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीरो फीस, डेबिट कार्ड की भी कोई उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, जो भी उसमें वेबसाइट पे आप जाओगे बैंक पे, बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसका डेबिट कार्ड का भी 2 या 4 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन सारा कंट्रोल है, ऐप पे कंट्रोल जाएगा, सारी लिमिट सब कुछ अपना उस हिसाब से सेट कर लो, कितने आप उसमें पैसे निकाल सकते हो वेबसाइट पे मिल जाएगा। डिपेंडेंट का बता दूँ, डिपेंडेंट का क्या है कि भाई इसमें थोड़ा सा इशू है, और ये कैसे फिक्स कर सकते हो। डिपेंडेंट का क्या है कि डिपेंडेंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, उसको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है एड्रेस प्रूफ की, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कई बार होता है कि जैसे अपना जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने पार्टनर के नाम होता है जो मेन एप्लीकेंट है, क्योंकि एड्रेस प्रूफ में उनको दिखाना पड़ता है, या कई जगह पुराना एड्रेस मांग लेते हैं कि भाई अपना कोई ऐसा दिखाओ कोई प्रूफ कि भाई जिसमें एड्रेस होता है कि भाई मेंशन हो, तो हम नहीं दिखा सकते उस टाइम पे। तो उसमें क्या करो, एक मोन्जो का, देखो इधर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एक मोन्जो का डिजिटल बैंक है, सबसे पहले इस टाइप के बैंक में ही खाता खुलवाओ जो डिजिटल बैंक हो, वो आपसे जैसे कि BRP कार्ड है उससे काम चल जाएगा, वो एड्रेस प्रूफ आप उसमें अपना दे सकते हो। तो मोन्जो ये सर्विस देता है गाइज कि वो नहीं मांगता आपसे कोई एड्रेस प्रूफ, बस आपको उसमें अपना जो एड्रेस है वो डालना पड़ता है, उस पर आ जाता है फिर आपका ये सब कुछ। पहली चीज़ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप जाओगे अपना किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे तो बगैर अकाउंट के आप कर नहीं सकते। अगर उनको आपने बोल दिया कि भाई ऑनलाइन देखो ऑप्शन आता है, तो आपको उधर प्रॉब्लम आती है। अगर आपको वो अकाउंट के लिए पूछ रहे हैं तो भाई अकाउंट आपका क्या है कि आप वो दे सकते हो, फिर उसके बाद अकाउंट में सैलरी आ गई, सैलरी आते ही आप कंपनी में फिर किसी से अपना HR डिपार्टमेंट में जाओ, उधर जाके आप उनको बोलो कि मैं अपना अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, और मुझे वो लिख के दे देंगे, ये बंदा हमारे रेफरेंस दे देंगे, अपना बंदा हमारे इधर काम करता है, ये इसकी सैलरी। उसके बाद आप जिधर मर्जी अपना अकाउंट खुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये प्रोसेस सबसे पहले BRP का, फिर अकाउंट का। अब बात करता हूँ इसमें मैं GP की। जो GP रजिस्ट्रेशन होता है गाइज, वो होता है अपना मेडिकल का, कि भाई हमें अपना इधर जो भी हमें पूछना रहता है, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत है, सीधा हमें अपना उनके साथ बात करनी पड़ती है, GP रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में भी क्या है कि एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है, तो ये आने के बाद आप फिर वो काम करवा सकते हो। तो
हम दोनों को, चाहे हम है चाहे मैं हूँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पार्टनर है, तो हम दोनों को अपना एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो जीपी रजिस्ट्रेशन का है, जीपी का रजिस्ट्रेशन का भी मैं बता दूँ। इसके बाद आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कई जगह ऑनलाइन सर्विस है और कई जगह आपको खुद जाके उधर, मोस्टली तो लॉकडाउन में तो ऑनलाइन होता था। अभी क्या है, विंचेस्टर में मैं था उधर ऑनलाइन था, एडिनबरा में इन्होंने डे फिक्स किए हुए हैं कि इस डे में आप ये कर सकते हो और इस डे में आप अलग अलग, जैसे आप फ़ोन करोगे कोई मंडे का बोलेगा कोई ट्यूसडे का बोलेगा, एडिनबरा की बात कर रहा हूँ इसमें। तो अपनी जहाँ जो भी आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, जो एरिया है, वो अपना डाल लेना और पोस्ट कोड भी ऑनलाइन डाल लेना, उसमें सारा सब कुछ आ जाएगा भाई। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है भाई, रजिस्ट्रेशन हो गया, कॉल करो उनसे, अपना बताओ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, सर्विस की मैं बता दूँ, वो क्या करते हैं, वो आपसे वैसे पूछ लेते हैं अगर भाई कोई बात है कि भाई नॉर्मल कोई किसी को मेडिसिन चाहिए, कोई जैसे कि खांसी जुकाम, थोड़ा सा सिर में दर्द है, या फिर भाई आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, तो वो क्या करते हैं आपसे उस चीज़ का फ़ोटो मंगा लेते हैं। कोई जख्म है हल्का फुल्का जो कंट्रोल में, वो ऑनलाइन जैसे मेडिसिन से हो जाता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर जाना पड़ता है हमें। तो उस केस में क्या है कि जो हम उनसे जब बात करेंगे तो उनको अपनी जो प्रॉब्लम है हमें जो उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सीधा इधर ऐसा प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है सीन कि भाई आपने कहीं से भी ऐसे मेडिसिन ले लिया, तो वो सीधा इधर जैसे टेस्को हो गया, आसदा में फार्मेसी होती है, एक बहुत फार्मेसी है, ऐसे बहुत सारी फार्मेसीज हैं इधर, लॉयड्स की एक फार्मेसी है, तो वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन उधर सेंड कर देंगे, उधर से फिर आपको मेडिसिन मिल जाता है और उधर आपको फिर पे करना रहता है भाई उसका। कहीं आप ये सोचो कि जो हेल्थ सरचार्ज है, इस हेल्थ सरचार्ज में हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली एक डिफरेंट है, उसका आपका मेडिसिन का आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था गाइज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और कोई भी आपको वीडियो चाहिए या और कोई क्वेश्चन है, मुझे एक साथ एक मैसेज छोड़ दिया करो, मैं भाई अपना रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। और इधर आने से पहले जो जो मैंने बताया हुआ है शॉर्ट वीडियो में भी, तो उस तरह से आप अपना सामान लेके आए इधर, चाहे सितंबर इनटेक में आ रहे हो या भाई अपना जनवरी इनटेक है, तो ये सब कुछ अपना पहले से ही करो, कोई काम सीख लो, टाइम है इनटेक के हिसाब से जितना भी टाइम बचा है। तो टेक केयर गाइज, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।